बलरामपुर जिले के ग्राम अकोरा खुर्द में नवविवाहिता पुष्पा यादव रामानुज नगर जिला सूरजपुर की रहने वाली थी, जिसकी शादी जून में इसी वर्ष अकोरा खुर्द निवासी दिनेश यादव के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की बात को लेकर हमेशा पुष्पा यादव को पति, सास, ससुर के द्वारा हमेशा मारा पीटा जाता था, जिससे मृतिका पुष्पा यादव के द्वारा अपने पिता व घर वालों को फोन के द्वारा जानकारी दी जाती थी। वहीं 25 नवंबर को भी पुष्पा यादव के साथ सास ससुर पति द्वारा गाली गलौज मारपीट की गई थी। 25 नवंबर को करीब शाम 4 बजे घर पर नवविवाहिता की फांसी लगा लेने की सूचना पर पुलिस बरियो चौकी प्रभारी रजनीश सिंह व तहसीलदार राजपुर सुरेश राय घटनास्थल ग्राम अकोरा खुर्द सिधमा गए, क्योंकि मामला नवविवाहिता से संबंधित था, जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई एवं वर्तमान समय में महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर होने वाले अपराधों के प्रति गंभीरता पूर्वक उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में तुरंत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार राजपूत सुरेश राय एवं चौकी प्रभारी रजनीश सिंह पुलिस की उपस्थिति में मर्ग कायम कर पंचनामा बनाकर कार्यवाही कर कथन लिया गया, जिस पर मृतिका पुष्पा यादव को मारपीट कर प्रताड़ित करने से, फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाए जाने से चौकी बारियो थाना राजपुर में विभिन्न धाराओं पर अपराध दर्ज करते हुए पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी मनोज तिर्की के द्वारा की गई एवं मृतिका पुष्पा यादव के शव को पोस्टमार्टम हेतु सीएससी राजपुर भेजकर पोस्टमार्टम कराकर मृतिका का शव को परिजनों को सौंप दिया गया। के ग्राम अखोरा खुर्द में दिनेश यादव की पत्नी पुष्पा यादव, जो इनकी शादी लगभग 4 माह पूर्व हुई थी, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर चौकी बरियों से पुलिस स्टाफ गए, जांच किए, जो यह जानकारी प्राप्त हुई है और पीएम भी कराए, जिसमें आत्महत्या से फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया। इसमें मृतिका के परिजनों के द्वारा बताया गया कि दहेज के लिए इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट किया जाता था, जिसमें जांच में अपराध घटित होना पाए जाने से प्रकरण में 304 बी का अपराध दर्ज किया गया है एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका का पीएम कराया गया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि फांसी लगाकर आत्महत्या हुई। इसमें 4 आरोपी बन रहे हैं, जिसमें मृतिका के पति, उसके सास ससुर एवं एक नाबालिग है जो उसकी ननद है, जिन्हें आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। घटना के आरोपी गण रामनिवास यादव पिता रामजतन, दिनेश यादव पिता रामनिवास, रामरति पति रामनिवास, एक औपचारी बालिका को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।